हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परवेज मोबाइल मस्ट। दोस्तों, सैमसंग का स्मार्टफोन है जिसका कॉम्बो रिप्लेस करेंगे, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। बैक पैनल हीट करने के बाद ओपनर के सहारे हमने इसका बैक पैनल हटा दिया, स्क्रू ड्राइवर के सहारे हम बैक स्क्रू खोल रहे हैं, साथ ही स्क्रू स्टेप बाय स्टेप सारे स्क्रू हम हटा देंगे और साथ ही इसका बैक होजिंग हम हटाएंगे। तो दोस्तों, इसका हम कंप्लीट कॉम्बो चेंज कर रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि सैमसंग मोबाइल का कॉम्बो कितनी आसानी ट्रिक से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, नाखून के सहारे हमने इसका बैक बॉडी मिडिल हमने खोल दिए। अब हम बैटरी के लिए पटाने के बाद इसका डिस्प्ले का पत्ता हटा दिया। दोस्तों, यह हमारा नया फोल्डर आ गया है जो हम साइड रखने के बाद जो पार्ट खोलेंगे वो पार्ट उसमें फिट करते जाएंगे। मेन सब पीसीबी लिंक हटाने के बाद दोस्तों इसका मेन बोर्ड का स्क्रू खोल रहे हैं और स्क्रू खोलने के बाद हमने मेन सब बोर्ड अपना बाहर कर दिया है। रिसीवर पत्ता, जो रिसीवर स्पीकर हमने हटा दिया और नए कॉम्बो पे हमने उसको फिट कर दिया है। साथ ही हमने इसकी सब पीसीबी ओपनर के सहारे आराम से निकाल रहे हैं क्योंकि वो चिपकी हुई होती है स्टार्टिंग में, उसको भी हमने नए कॉम्बो पर फिट कर दिया है। तो दोस्तों, हमारे जो फिंगरप्रिंट पे स्क्रू लगे होते हैं हम उनको भी आसानी से खोल रहे हैं ताकि उसके स्क्रू खोलने के बाद उसको भी नए कॉम्बो पर फिट किया जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जिस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ और आप वीडियो भी देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप कितनी आसानी ट्रिक से हमारी बॉडी बैक कॉम्बो हमारा रिप्लेस हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बेहद आपको पसंद और स्टेप बाय स्टेप समझ भी आ रहा होगा कि हमने अब मेन सब पीसीबी मेन बोर्ड अपना लगा दिया है। सब पीसीबी लगाने के बाद पुराने होजिंग से हमने बैटरी हटाने के बाद नई पे बैटरी पेस्ट लगाकर बैटरी भी लगा दी है, बैटरी का कनेक्ट कर दिया है और मेन सब पीसीबी लिंक भी हमने कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद जो बैक इसकी बॉडी होती है हमने उसको भी बैक बॉडी रिंग को भी फिट कर दिया है। दोस्तों, हमने अपना मोबाइल स्टार्ट कर दिया, साथ ही जब तक मोबाइल हमारा स्टार्ट होता है सैमसंग लिखा रहा है तो बैक स्क्रू जो हमारे खुले हुए तो हमने उनको वापस अपने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर के सहारे लेते हुए वापस हमने लगा दिया और पेस्ट लगाने के बाद बैक पैनल भी हमने लगा दिया। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट हमारा मोबाइल रेडी हो चुका है। पहले जैसी स्टार्टिंग में जैसा नया फ़ोन था हमारा, कॉम्बो चेंज होने के बाद मोबाइल हमारा ये फटाफट चल रहा है और आप देख भी रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और स्टेप बाय स्टेप आपको समझ भी आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।